दुनिया में दाल या सब्जी कहीं भी बने उसमें लगता है तड़का। जब तड़का लगेगा तो उसके लिए चाहिए होगा जीरा। बिना जीरा के तड़का फीका होगा या यूं कहें कि बेस्वाद होगा। इसी खासियत के कारण जीरा की हर घर में डिमांड है और इसी डिमांड के कारण 2023 में जीरा की कीमत ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। आमतौर पर 20,000 से लेकर 30,000 रुपए प्रति क्विंटल बिकने वाला जीरा है वो 2023 में 60,000 रुपए प्रति क्विंटल तक बिका। और टॉप ग्रेड का जो जीरा था वो सुपरमार्केट्स और रिटेल मार्केट में 850 रुपए प्रति क्विंटल तक बिक गया, यानी कि 85,000 रुपए प्रति क्विंटल तक। तो इसका मतलब यह है कि जीरा के भाव बहुत जबरदस्त है। अगर आप इसकी खेती करते हैं तो बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और जीरा की खेती करने के लिए नवंबर का महीना सबसे बेहतरीन है। जीरा रबी की फसल है तो इस बार आप जीरे की खेती कर सकते हैं और मोटा पैसा कमा सकते हैं क्योंकि जीरा के भाव बहुत ही जबरदस्त है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जीरा की खेती कैसे की जाती है और जीरा कितना उत्पादन होता है, टॉप वैरायटीज कौन सी है और इसकी खेती करने का सही तरीका क्या है, यानी कि जीरे की खेती के बारे में A to Z जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुमार पवन और आप देख रहे हैं फ्रीडम ऑफ फार्मिंग हिंदी चैनल। दोस्तों, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहला काम ये करिए कि इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको एक चीज और करनी है, फ्रीडम ऐप डाउनलोड करना है इस वीडियो को देखने के बाद। दोस्तों, जब बात जीरे की आती है तो जीरा है वो दो तरह का होता है मोटे तौर पर। पहला ब्लैक क्यूमिन जिसको हम कलौंजी कहते हैं और दूसरा होता है बीटर क्यूमिन यानी कि कश्मीरी जीरा या फिर शाही जीरा। आप इन दोनों में से कोई सी भी वैरायटी लेकर इसकी खेती कर सकते हैं। फिलहाल जीरे की खेती है वो सबसे ज्यादा गुजरात में होती है और दूसरे नंबर पर आता है राजस्थान। राजस्थान और गुजरात में पूरे भारत का जितना जीरा उत्पादन होता है उसका 80% इन्हीं दो राज्यों में होता है। और राजस्थान की बात करें तो पश्चिमी जो क्षेत्र है, मारवाड़ का इलाका है, उसमें जीरे की खेती होती है। और राजस्थान का 80% जीरा उत्पादन है वो इकलौते पश्चिमी क्षेत्र से आता है, यानी कि बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, इस इलाके से वहां पर खेती होती है। जीरे के लिए उपयुक्त जलवायु की अगर हम बात करें तो इसको मोटे तौर पर आप ऐसे समझ सकते हैं कि जहां पर आप सरसों उगा सकते हैं वहां पर जीरा उगाया जा सकता है, जहां पर तारामीरा उग सकता है वहां पर जीरा उग सकता है। यानी कि जीरा की खेती उस इलाके में की जा सकती है जहां पर आप सरसों उगाते हैं, यानी कि इसकी बुआई के वक्त जो तापमान है अधिकतम वो 25 डिग्री सेल्सियस हो, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं हो, और इसकी फसल जब तैयार होती है तब तक तापमान है वो 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहे। जीरा है वो 100 दिन के लगभग की खेती है। अगर इसको आप नवंबर में उगाते हैं, यानी कि इसकी खेती की शुरुआत करते हैं, बुआई करते हैं, तो जीरे की फसल है वो आपकी मार्च के पहले हफ्ते में या दूसरे हफ्ते में तैयार हो जाती है। तो कुल मिलाकर इसी दौरान जो उत्तर भारत का मौसम है वहां पर तापमान है वो 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस का आसपास रहता है, और रात के वक्त जो तापमान है वो थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन कम तापमान से जीरे को नुकसान नहीं पहुंचता। जीरा है वो ज़्यादा गर्मी से ख़राब होता है, लेकिन उत्तर भारत का मौसम है वो नवंबर से लेकर मार्च तक का मौसम है वो जीरे के लिए बहुत उपयुक्त है। और जीरे के लिए मिट्टी की बात करें तो बलुई दोमट मिट्टी है वो जीरे के लिए बहुत ही बेहतरीन मानी जाती है। हालांकि जीरा है वो बलुई दोमट या लाल मिट्टी में या बलुई लाल मिट्टी है उसमें बहुत अच्छे से उगाया जा सकता है, लेकिन अगर आपकी मिट्टी बलुई दोमट है तो इसका उत्पादन बहुत ही ज़बरदस्त होगा। और ज़मीन का जो pH है वो सामान्य होना चाहिए, यानी कि 6 से 7 अगर pH है तो बहुत ही अच्छा है। इस pH लेवल पर ज़मीन आपकी है वो बहुत अच्छी मानी जाती है और जीरा की फसल बहुत ही अच्छी होगी। तो कुल मिलाकर यह है कि रबी सीज़न में, सर्दी के मौसम में जीरे की फसल बहुत अच्छे से तैयार होती है, बढ़ोतरी होती है, तो इस बार आप नवंबर के महीने में जीरे की खेती की शुरुआत कर सकते हैं। अब बात करते हैं जीरे की टॉप वैरायटीज के बारे में। जब आप जीरे की खेती की शुरुआत करेंगे तो आपको चाहिए होगी टॉप वैरायटीज। तो सबसे पहले नंबर पर आती है RZ19। ये बहुत ही पॉपुलर वैरायटी है और सबसे ज्यादा उत्पादन होता है इसका। ये वैरायटी है 120 दिन में पककर तैयार होती है और प्रति हेक्टेयर इसका जो उत्पादन है वो 10 क्विंटल तक होता है। एक एकड़ की बात करें तो इसमें आपका 4 से लेकर 5 क्विंटल तक उत्पादन एक एकड़ से हो सकता है। RZ19 वैरायटी के दाने हैं उनका रंग बहुत आकर्षक होता है, गहरा भूरे रंग का ये जीरा होता है जो देखने में बहुत ही आकर्षक लगता है और इसको लोग खाना बहुत पसंद करते हैं। और इस वैरायटी की एक और खास बात है कि इसमें उखेड़ा और झुलसा रोग है वो बहुत ही कम लगता है।
दूसरी वैरायटी वो है GC4, इसको गुजरात 4 वैरायटी के नाम से भी जाना जाता है और ये भी बहुत ही जबरदस्त वैरायटी है। अगर इसकी आप बुआई करते हैं तो ये 110 दिन में पककर तैयार हो जाती है और इससे उत्पादन मिलता है प्रति हेक्टेयर 8 क्विंटल तक, यानी कि प्रति एकड़ 3 से 4 क्विंटल तक। इस वैरायटी के जीरे के दाने हैं वो बहुत ही चमकीले होते हैं और गहरे भूरे रंग के होते हैं। और तीसरी वैरायटी है RZ209, ये भी बहुत ही अच्छी वैरायटी है, ये भी 120 से लेकर 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसके पौधों की ऊंचाई है वो सामान्य होती है और इसका उत्पादन भी 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक हो जाता है, प्रति एकड़ की बात करें तो 3 से 4 क्विंटल तक। इसके दाने थोड़े आकार में मोटे होते हैं और ये जो वैरायटी है इसमें छाछा रोग नहीं लगता है, ये एक इसकी अच्छी बात है। और चौथी वैरायटी है GC1, ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है, ये भी 110 दिन में पककर तैयार हो जाती है और प्रति हेक्टेयर उत्पादन मिलता है 7 क्विंटल और इससे आपको प्रति एकड़ 3 से 3.5 क्विंटल तक का उत्पादन मिल सकता है। और गुजरात कृषि विश्वविद्यालय ने इस वैरायटी को तैयार किया है, इसमें उखेड़ा रोग नहीं लगता है और इसके दाने भी बहुत आकर्षक होते हैं, इसलिए इसको आप उगा सकते हैं। अच्छी वैरायटी है, गुजरात के लिए मानी जाती है। तो दोस्तों ये तो बात हुई टॉप वैरायटीज की, अब बात आती है कि जब आप जीरा की खेती करेंगे तो खेत को किस तरह से तैयार करें और उसमें कितना उर्वरक डालें। दोस्तों जीरा है ये बहुत ही हाई प्राइस वाला प्रोडक्ट है, यानी कि इसकी कीमत ज़्यादा है, बाजार में महंगा बिकता है, इसलिए अगर आप इसकी ऑर्गेनिक तरीके से खेती करेंगे तो बहुत ही अच्छा बाजार में आपका बिकेगा और ज़्यादा भाव मिलेगा। और अगर आप ऑर्गेनिक खेती सीखना चाहते हैं तो आप फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। फ्रीडम ऐप पर एक पूरा कोर्स है ऑर्गेनिक खेती का, जिसको देखकर आप घर बैठे अपने खेत में बैठे ऑर्गेनिक खेती की तमाम डिटेल्स आप सीख जाएंगे। जब आप जीरा की फसल के लिए खेत को तैयार करेंगे तो सबसे पहले उसकी 2 जुताई कर लें, इसके बाद उसमें 10 से 12 टन प्रति एकड़ गोबर की खाद डाल दें, उस खाद को बिखेर दें, इसके बाद खेत को 2 बार और जुताई कर लें, उसके बाद उसको समतल कर लें और उसके बाद उसमें आप जीरे का बीज डाल दें, बुआई कर दें, बिजाई कर दें या उसके आप छिड़काव कर दें, यानी कि छिट्टा विधि से भी उसको उगा सकते हैं। और इसको जब आप खाद दे देंगे उसके बाद आप उसकी सिंचाई करेंगे बुआई करने के बाद, तो आपका जीरा है वो उगना शुरू हो जाएगा। तो बिजाई करने के 2 तरीके हैं, बुआई कैसे होती है ये आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले 2 विधि के बारे में जानते हैं। जीरे को आप 2 तरीके से उगा सकते हैं, एक होती है ड्रिल विधि, ड्रिल मशीन से आप इसकी बिजाई कर सकते हैं और दूसरा तरीका है इसको छिड़काव विधि से भी आप उगा सकते हैं। जब आप जीरे की बिजाई करेंगे ड्रिल मशीन से तो आपको 1 एकड़ के लिए 8 से 10 किलो जीरे की बीज की आवश्यकता पड़ेगी और जो आपकी ड्रिल मशीन है उसमें आप कतार की दूरी, यानी कि जो जीरे की कतार होगी उसमें आप 1 फीट का अंतराल रखिए, 1 फीट के अंतराल पर आप जीरे का जो है कतार रखिए, उसमें पौधों के बीच डिस्टेंस रखिए और पौधे से पौधे की दूरी है वो 10 से लेकर 15 सेंटीमीटर, यानी कि आप 3 इंच, 4 इंच से लेकर 6 इंच तक उसके बीच डिस्टेंस रखेंगे तो आपके जीरे का पौधा बहुत अच्छे से तैयार होगा, उसकी बढ़वार बहुत अच्छी होगी और बहुत अच्छी उसको ग्रोथ मिलेगी। अगर आपके पास ड्रिल मशीन नहीं है तो आपके लिए एक और तरीका है, आप इसके लिए खेत को अच्छे से तैयार कर लें, गोबर की खाद डालें, उसके बाद 2-3 जुताई कर लें, उस पर एक प्लेन जो पाटा है वो लगा लें, इसके बाद आप जीरे का छिड़काव कर दें। छिड़काव करने के लिए आपको ये करना है कि आप 10 से 12 किलो बीज लें, उसके बाद जीरे को छिड़क दें और छिड़कने के बाद आपको दंताली लेकर उसमें फेर सकते हैं जिससे कि बीज है वो मिट्टी में मिल जाए, या फिर आप पेड़ की कोई शाखा ले सकते हैं पत्तों वाली, जो जब आप उसको खेत में घसीटेंगे तो चलाएंगे उसको खेत में तो उसमें जो बीज है आपका जीरा का वो मिट्टी के साथ मिक्स हो जाएगा, उसके बाद जब आप सिंचाई करेंगे तो आपका जो जीरे का बीज हल्का होता है, नहीं तो वो पानी के साथ बहकर एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। जब उसको आप मिट्टी में मिक्स कर देंगे दंताली चलाकर या पेड़ की जो शाखा है उसको वहाँ पर फेर कर, तो वहाँ पर बीज आपका मिट्टी में मिल जाएगा और जहाँ पर वो बीज है वहीं पर उग जाएगा। तो ये तो बात हुई जीरे की बिजाई की, इसके 2 तरीके, यानी कि ड्रिल मशीन से आप इसकी बुआई कर सकते हैं या फिर छिड़काव से इसकी आप बिजाई कर सकते हैं। तो बिजाई के बाद बात आती है सिंचाई की। तो जीरा जब आप छिड़क देंगे खेत में या उसकी बिजाई कर देंगे तो उसके तुरंत बाद आपको पानी देना होता है, तो उसकी पहली सिंचाई आपको उसी वक्त करनी है और जब आप सिंचाई कर देंगे उसके बाद आपका जीरा उगना शुरू हो जाता है। पहली सिंचाई के बाद 10 से 12 दिन के अंतराल में आपको दूसरी सिंचाई करनी है और फिर आपकी ज़मीन और मौसम की परिस्थिति के हिसाब से आपको हर 15 दिन या 20 दिन में एक बार जीरे की सिंचाई करनी है। तो जीरे की फसल 100 दिन की होती है तो इसमें 3 से 4 आपको सिंचाई करनी पड़ेगी। अगर आप फव्वारा पद्धति से इसकी सिंचाई करते हैं तो आपको 5 से 7 सिंचाई करनी पड़ सकती है, क्योंकि फव्वारा पद्धति में
जो पानी है वो बहुत कम लगता है, लेकिन उसमें आपको सिंचाई थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ सकती है। जीरे की खेती स्पाइस यानी कि मसाले की खेती है। इसमें जब आप इसकी बुआई करेंगे सर्दी के मौसम में, इसमें खरपतवार भी उगेंगे, इसलिए आप इसकी निराई गुड़ाई भी करनी आपको पड़ेगी। आपको एक या दो बार जीरे की खेत में निराई गुड़ाई करनी पड़ेगी, और ये निराई गुड़ाई अगर आप हाथ से करेंगे या ट्रैक्टर से करेंगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगी। अगर आप इसमें रासायनिक जो पेस्टिसाइड आते हैं, कीटनाशक हर्बिसाइड आते हैं, जो खरपतवार नाशी आते हैं, उनकी मदद से करेंगे तो भी वो कर सकते हैं, लेकिन उससे आपके खेत को नुकसान पहुंचता है और जीरे की फसल को भी नुकसान पहुंचता है। इसलिए बेहतर यही है कि आप हाथ से जीरे के खेत में निराई गुड़ाई करें या बैल या ट्रैक्टर की मदद से निराई गुड़ाई कर लें। आप एक या दो बार निराई गुड़ाई कर देंगे तो जीरे की फसल बहुत अच्छी होगी, इसकी पैदावार है वो बम्पर होगी। अब बात आती है जीरे की फसल में लगने वाली बीमारियों की। जीरे की फसल में कई बीमारी लगती है, जैसे कि मोइला रोग। ये एक कीट जनित रोग है, यानी कि रस चूसक जो कीड़े हैं वो लग जाते हैं, वो जीरा के पत्तों का रस चूस लेते हैं, इसका फूल होता है उसमें जो दाने बनते हैं उनका रस चूस लेता है, यानी कि रस चूसक जो मोइला रोग है वो लग जाता है। उसको आप जो कीटनाशक है छिड़ककर उससे रोकथाम कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो ऑर्गेनिक कीटनाशक है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, घर पर आप बना सकते हैं। आप चाहें तो घर पे कीटनाशक बनाना सीख सकते हैं, नीम आधारित कीटनाशक आप घर पर बना सकते हैं। आप मिर्ची और लहसुन आधारित जो कीटनाशक है वो भी घर पे बना सकते हैं, उनको बनाना आप सीख सकते हैं। उसका लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उन वीडियो को देखकर आप घर पे कीटनाशक बनाकर छिड़क सकते हैं, इससे आपका जीरा है वो ऑर्गेनिक तरीके से तैयार होगा, उसमें किसी भी प्रकार का रसायन नहीं होगा। इसलिए वो जीरा अगर एक्सपोर्ट होगा तो आपको ज़्यादा कीमत मिलेगी। और जीरा में एक और रोग लगता है, छाछा रोग। ये एक फंगीसाइड है, यानी कि फफूंद रोग है। ये सफ़ेद धब्बे जैसे पत्तों में लग जाते हैं, ये भी काफ़ी नुकसान पहुंचाता है प्लांट को। इसके लिए भी आपको कीटनाशक छिड़कना होगा। अगर आप ऑर्गेनिक कीटनाशक छिड़केंगे तो भी आप छाछा रोग पर कंट्रोल कर सकते हैं। एक और रोग लगता है जीरा में, वो है दीमक रोग। दीमक रोग भी जीरे के पौधे को नुकसान पहुंचा सकता है, पौधा पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। इसके लिए सबसे अच्छा ये है कि जब आप जीरे की बुआई करें या उसका छिड़काव करें तो उससे पहले बीज को उपचारित कर लें। बीज को उपचार करके अगर आप उसकी बुआई करेंगे या उसका छिड़काव करेंगे तो दीमक रोग लगने का बहुत ही कम खतरा होता है। ये तो बात हुई दोस्तों बीमारियों की। अब बात आती है कि जीरे की हार्वेस्टिंग कब होती है और कैसे होती है। आम तौर पर जीरे की फसल है वो 100 दिन से लेकर 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। जब जीरे का फूल है उसमें दाने बन जाते हैं और उसका रंग गहरा भूरा या हल्का गुलाबी हो जाता है, तब आप उनको काट सकते हैं। यानी कि उसका फूल होता है उसको आपको काटना पड़ेगा, उसकी हार्वेस्टिंग करनी पड़ेगी और उनको इकट्ठा करके आप एक जगह रख सकते हैं। तो 100 से 120 दिन बाद जब आपकी फसल हल्का भूरे रंग आ जाए उसमें या गुलाबी रंग आ जाए तब आप उसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। और एक हेक्टेयर से जो उत्पादन आमतौर पर मिलता है वो मिलता है 7 से 8 क्विंटल, और कई वेराइटीज़ हैं उनमें 10 क्विंटल तक उत्पादन मिलता है प्रति हेक्टेयर। तो एक एकड़ की बात करें तो आपका एक एकड़ में उत्पादन होगा 3 क्विंटल से लेकर 5 क्विंटल तक। ये आपकी वेराइटी, आपकी ज़मीन की उत्पादन क्षमता और मौसम की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। 3 क्विंटल से 5 क्विंटल आपको उत्पादन मिल जाएगा जीरे का। तो अब बात आती है कमाई कितनी होगी। दोस्तों जीरे की फसल 100 दिन की फसल है, 100 से 120 दिन की, और जीरे का बाजार भाव 2023 का बाजार भाव अगर हम माने तो 60,000 रुपये प्रति क्विंटल जीरा बिका था, लेकिन आम तौर पर जीरा है वो 20,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये प्रति क्विंटल बिकता है। लेकिन जिस तरह से जीरे के भाव 2023 में 60,000 रुपये थे, तो इससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाली फसल जब जीरे की नहीं आएगी तब जीरे का भाव है वो 35,000 से 40,000 रुपये के आसपास रह सकते हैं। अगर आपकी फसल बहुत अच्छी होती है, एक एकड़ में अगर आपका 5 क्विंटल उत्पादन हो जाता है और अगर आपको भाव 30,000 से 35,000 रुपये मिलता है तो भी आपका आराम से 1,50,000 रुपये तक की कमाई हो सकती है। अगर आपका उत्पादन 3 क्विंटल होता है और आपको जो भाव मिलता है 30,000 से 35,000 रुपये का, तो भी आपको 1,00,000 रुपये तक की कमाई हो सकती है। यानी कि जीरे के मौजूदा भाव और मार्केट में डिमांड को देखते हुए जो जीरे से कमाई है एक एकड़ से, वो 1,00,000 रुपये से लेकर 1,50,000 रुपये तक हो सकती है। और ये खेती सिर्फ 100 दिन से लेकर 120 दिन की है और बड़ी आसानी से होने वाली खेती है, तो आप इसकी खेती कर सकते हैं। तो जीरा उगाना प्रॉफिटेबल मामला है, और अगर आप इसको ऑर्गेनिक तरीके से उगाएंगे तो आपका जीरा बहुत डिमांड में रहेगा और ये बहुत अच्छे से बिकेगा, क्योंकि भारत में जो जीरा उगाया जाता है उसका एक बड़ा हिस्सा है वो अरब कंट्रीज़ में और विदेशों में है, एक्सपोर्ट किया जाता है। भारतीय जीरे की डिमांड है वो अरब देशों में ज़्यादा होती है। अगर आप ऑर्गेनिक विधि से जीरा उगाएंगे, उसका उत्पादन करेंगे और आपके खेत में जो ऑर्गेनिक तरीके से उगाया गया जीरा है उसको बाजार में बहुत अच्छे से व्यापारी खरीदेंगे और उसको एक्सपोर्ट करेंगे तो ज़्यादा कीमत मिलेगी। तो आप ऑर्गेनिक खेती सीखना चाहते हैं, जीरे की ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं और उसको सीखना चाहते हैं, तो आप डाउनलोड कर लीजिए फ्रीडम ऐप। फ्रीडम ऐप पर एक पूरा डिटेल में कोर्स है
ऑर्गेनिक खेती का, जिसको देखकर आप घर बैठे मोबाइल में देखकर आप ऑर्गेनिक खेती करना सीख सकते हैं। अपने खेत की मिट्टी को ऑर्गेनिक कैसे बनाना है, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, कितना टाइम लगेगा, कितना पैसा लगेगा, और जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आपके खेत में होगी यानी कि फसल जो उगाएंगे उसको बाजार में कैसे बेचना है, ज्यादा पैसे कैसे मिलेंगे, ये तमाम चीजें आप सीखेंगे उस कोर्स में। तो आप फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग के कोर्स को देखिए, आपको बहुत सारी अच्छी सी जानकारी मिलेगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया है, आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि हमारे दूसरे किसान साथी हैं वो भी जीरे की खेती को सीख पाएं और उसको कर पाएं। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में नए टॉपिक, नई कहानी, नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, दीजिए इजाजत, नमस्कार।